हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड, प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारे राधिका के पापा थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आते हैं, और जो हमारी राधिका है उनको घर के अंदर लेके आती है और बेडरूम में जाके लिटा देती है, और ऐसे ही फिर उसके पापा उससे बात करने लग जाते हैं, और जो हमारी राधिका होती है वो अपने पापा को देख के रोने लग जाती है। ऐसे ही वो कुछ टाइम तक अपने पापा के पास बैठी रहती है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो अपने पापा को वहाँ पर छोड़ के लिटा के वहाँ से चली जाती है, अपने रूम पे आ जाती है। फिर रूम पे भी आके फिर वो लेट जाती है, उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। बस वो यही सोच रही है, पापा मेरे बिना क्या करेंगे यार, क्यों पापा मुझे कुछ से दूर भेज रहे हैं, क्यों नहीं करनी है मुझे स्टडी, मुझे पापा के पास ही रहने यार, पापा के अपना ख्याल नहीं रखते, मैं नहीं होंगी तो पापा बहुत अकेला पड़ जाएंगे। क्यों मम्मी आप हमें इतना जल्दी छोड़ के क्यों चली गई मम्मी। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और रोते रोते ऐसे ही उसकी आँख लग जाती है, वो फिर सो जाती है। फिर जो हमारी राधिका है उसकी आँख लग जाती है, ऐसे ही वो फिर सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब हमारी राधिका उठती है तो फ्रेशनअप हो के सीधा किचन में चली जाती है, किचन में जाके अपने लिए और अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। फिर ऐसे ही बना के अपने पापा के रूम में जाती है, देखती है कि पापा उसके पापा के सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो पापा के रूम पे जाती है तो उसके पापा ने सर पकड़ा होते बोलते, बेटा पता नहीं मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है, बेटा समझ नहीं आ रहा इतना पेन क्यों हो रहा है। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है, पापा आपने रात को ड्रिंक करा था, पता है आपको, आप पूरे ड्रिंक हो के आए थे, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना आप ड्रिंक नहीं करेंगे, क्यों क्या पापा अपने ड्रिंक क्यों करते हो ऐसा। उसके बाद जो राधिका के पापा तो बोलते हैं, बस बेटा क्या करूँ, वो टेंशन है कि कैसे भेजूँगा मैं, कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना बेटा, ये समझ नहीं आ रहा है, बस क्या करूँ बेटा। उसके बाद जो हमारी राधिका थी बोलती, पापा मैं भी तो नहीं रह पा रही हूँ ना आपके बिना, मैं कैसी रहूँगी पापा, मैं फर्स्ट टाइम आपसे दूर जा रही हूँ पापा, तो क्यों भेज रहे हो मुझे। उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा थे वो बोलते, नहीं बेटा आप स्टडी करो, आप अपने पाँव पे खड़ो, मैं चाहता हूँ आप अपने पाँव पे खड़ो। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती, नहीं पापा मुझे नहीं खड़ो, नहीं मुझे आपके पास रहना। उसके पापा बोलते, बेटा नहीं मैं चाहता हूँ ना आप अपने पाँव पे खड़ो। तो ऐसे ही जो हमारी राधिका है बोलते, ओके पापा चले ना नीचे चले फ्रेशनअप हो के जाएँ। उसके पापा बोलते, हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, बस हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा, अब जाओ मैं फ्रेशनअप होके आ रहा हूँ। फिर जो हमारी राधिका बोलती, ओके पापा आप आए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दिए, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं आपके सर की मालिश करूँगी, फिर आपको आराम हो जाएगी। उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा अब जो मैं आ रहा हूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका के पापा थे वो फ्रेशनअप होने के लिए चले जाते हैं, और हमारी जो राधिका है वो भी नीचे आ जाती है किचन में और अपने लिए और अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट लगा लेती है। फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद उसके पापा भी आ जाते हैं, उसके पापा आके बैठ जाते हैं डिनर टेबल पर, तो वो बोलते बेटा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्या करूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो अपने पापा को ब्रेकफास्ट देती है और बोलती है, पापा ये चाय पी लेने इससे थोड़ा सा हेडेक कम हो जाएगी आपकी। उसके पापा और वो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके उसके पापा फिर रूम पे चले जाते हैं। जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही बर्तन वगैरह लेके किचन में जाके धो के फिर वो एकदम से अपने पापा के रूम पे चली जाती है। पापा को बोलते हैं, पापा आप लेट जाए मैं आपके सर पर बाम लगा देती हूँ। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं वो लेट जाते हैं, और जो हमारी राधिका है वो अपने पापा के सर पर बाम लगा रही थी, उनके सर की मसाज कर रही थी। फिर उसके पापा बैठते हैं, बेटा पता नहीं फिर जब मुझे हेडेक होगा तो कौन दबाएगा। उसके बाद जो हमारी राधिका वो बोलती है, पापा मैं ही दबाऊंगी ना, क्या है पापा। उसके बाद चलो बेटा ऐसी बातें नहीं करते, और बताओ उस पैकिंग वगैरह तो हो गई है ना आपकी, कल तक आपने चले जाने ना हॉस्टल में, आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गए, तो किसी से ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करनी, फ्रेंडशिप नहीं बनानी, और हॉस्टल का माहौल इतना अच्छा नहीं, आप अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छा ख्याल रखना सही है ना। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है, हाँ पापा रख लूँगी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ पापा। उसके बाद बोलते हैं, बेटा फिर भी। उसके जो हमारी आगे से राधिका बोलती है, ओके पापा जैसा आप बोलें मैं वैसा ही करूँगी। जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो फिर ऐसे ही राधिका से बातें करते करते ऐसे ही फिर वो सो जाते हैं दोबारा से। जो हमारी राधिका है वो अपने पापा के सर की मालिश करती रहती है, और ऐसे ही देखते हैं कि उसके पापा तो सो गए हैं। फिर जो हमारी राधिका है वो हंसने लग जाती है, फिर ऐसे ही वो अपने पापा के ऊपर ब्लैंकेट रख के फिर बाहर आ जाती है। बाहर आके बस बस यही सोच रही होती है, और क्या करूँ पापा मेरा मन नहीं कर रहा है।
फिर ऐसे ही हमारे राधिका है, बस क्या करूँ अब सब कुछ हो गया, जाना तो पड़ेगा ना। ये गॉड मेरी रक्षा करना, मेरे पापा की भी प्लीज़, पता नहीं क्या होगी। फिर ऐसे जो हमारी राधिका होती है वो भी अपने रूम पे चली जाती है, और अपने रूम पे जाके ऐसे ही बैठी होती है, फिर ऐसे ही अपना फ़ोन देख रही होती है। फ़ोन देखती है देखते देखते ऐसे ही फिर शाम हो जाती है, और जो हमारी राधिका है वो चली जाती है किचन में लंच बनाने के लिए। लंच बनाने के लिए जाती है, ऐसे ही लंच बना देती है, फिर अपने पापा के रूम पे आती है। कितने सोचती है उसके पापा अभी तक सो रहे हों, बोलती है पापा उठ जाएँ, लंच का टाइम हो गया ना लंच करने। उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा देते हैं, हाँ बेटा कर एक मिनट में आ रहा हूँ, हमारी राधिका जो है वो लंच लगा लेती है। फिर ऐसे ही उसके पापा और वो लंच करते हैं। उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा थे वो बोलते हैं बेटा कल तो आप जा रहे हो ना, आज हम एक पार्टी में जाएंगे, चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। उसके आगे से राधिका बोलते नहीं पापा मुझे नहीं जाना है। उसके पापा बोलते हैं बेटा प्लीज़ जाओ रेडी होके आ जाओ। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है ओके पापा। फिर जो हमारी राधिका है वो चली जाती है रेडी होने के लिए, और रेडी होके फिर आ जाती है। फिर उसके पापा अपनी बेटी को बोलते देखते हैं मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। फिर ऐसे ही राधिका और उसके पापा दोनों चले जाते हैं एक पार्टी में। फिर जो हमारी राधिका है ऐसे ही पार्टी में जाती है, तो सब लोग उसको और उसके पापा को देखने लग जाते हैं। फिर उसके पापा के दोस्त उससे पूछे वाह वाह यार क्या बेटी है तेरी, कितनी खूबसूरत है, किधर छपा के रखा हुआ था इसको। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं किधर नहीं, बस ये ज़्यादा पार्टी में आती जाती नहीं है ना, इस वजह से ही इसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद उसके फ्रेंड बोलते हैं अच्छा अच्छा। फिर ऐसे ही उसके राधिका के पापा का एक दोस्त बोलते हैं कि और बेटा बताओ आप क्या करते हो। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है अंकल मैं स्टडी करती हूँ। उसके बाद जो वो राधिका के पापा के फ्रेंड होते हैं बोलते हैं अच्छा बेटा। ऐसे ही वो राधिका से बातें करने लग जाते हैं, वो उनको जो राधिका के पापा होते हैं उनको राधिका बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। फिर ऐसे ही वो राधिका के पापा को बोलते हैं चलो चलो अंदर चलते हैं अब खाना खाते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारे राधिका के पापा और राधिका और उनके फ्रेंड होते हैं वो सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। फिर ऐसे ही सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर ऐसे ही डांस स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारी राधिका है वो एक चेयर पर बैठ के सबका डांस देखने लग जाती है। फिर ऐसे ही वहाँ से एक लड़का आते आके राधिका के पास बैठ जाता है। तो उसको राधिका को बोलते हैं हेलो हाय क्यूटीज़। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो कुछ आंसर नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही वो जो लड़का होता है हमारी राधिका हाथ राधिका का हाथ पकड़ लेता है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो अपने हाथ को देखती है, फिर उस लड़के को देखती है, तो उस लड़के को एक रख के चांटा लगा लेती है और बोलती है डोंट टच मी, कौन हो तुम, क्यों मेरा हाथ पकड़ रहे हो, चले जाओ इधर से। जो हमारी राधिका है वहाँ से ऐसे चली जाती है। उसके बाद जो लड़का है फिर से राधिका के पीछे पीछे आने लग जाता है, और हमारी राधिका जो है फिर से देखती है और देख के अपने पापा को बुलाती है, बोलती है पापा 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 इसको देखो ये कौन है मेरा पीछा नहीं कर रहा है। उसके बाद जो उसके पापा होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं। फिर ऐसे ही आते हैं बोलते कौन हो तुम। उसके बाद जो हमारे राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं उनका फ्रेंड बोलते हैं ये तो मेरा बेटा है ना, तो इस वजह मैं नहीं भेजा था राधिका के साथ, तो ये बातें वगैरह कर ले। उसके बाद जो हमारे राधिका के पापा होते बोलते हैं इसको कोई मेरी बेटी को कोई शौक नहीं है लड़कों से बातें, ये किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती है, क्यों तुमने भेजा इसको। फिर जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो एकदम से उस लड़के का कॉलर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ हाथ लगाने की, थपा हो जाओ इधर से। फिर ऐसे ही जो राधिका और उसके पापा होते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और सब लोग बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधिका के पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, सीधे अपने घर पे आ जाते हैं। और जो हमारी राधिका के पापा होते हैं उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। उसके बाद जो हमारी राधिका अपने पापा को देखती है तो देखती है उसके पापा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर अपने पापा के पास जाती है, उनका हाथ पकड़ के बैठ जाती है, बोलती है पापा प्लीज़ सैड ना होना, मूड ठीक करें, कल तो मैं चली जाऊँगी ना। पापा क्या है आप ऐसे मूड ख़राब करके बैठे हो। उसके बाद जो हमारी राधिका के बोलते हैं बस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बेटा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की, तुम्हें टच करने की, उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार दूंगा उसको। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलते हैं पापा प्लीज़ छोड़ देना, बस कुछ नहीं हुआ, भूल जाए ना उसके बात को। फिर हमारे जो राधिका के पापा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो उसके बाद जो हमारी राधिका है वो अपने पापा को थोड़ा शांत करते बोलते पापा प्लीज़ ना, क्या है पापा प्लीज़ मुट्ठी करें, चले 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 मुट्ठी करें मुट्ठी करें। फिर जो हमारी राधिका है ऐसे ही अपने पापा को गुदगुदी करने लग जाती है। फिर उसके जो पापा थे वैसे ही स्माइल करने लग जाते हैं। फिर जो हमारी राधिका है वो अपने पापा के कंधे पे सर रख लेती है, फिर ऐसे ही अपने पापा से बात करने लग जाती है, बोलते हैं कि पापा प्लीज़ मेरे जाने के बाद आप सैड नहीं होंगे, टाइम पर खाना खाएँगे, टाइम पर सोएंगे और
जब भी आपको मेरी याद आएगी आप मुझे एकदम से कॉल करेंगे, और जब भी आपको टाइम मिलेगा पापा प्लीज़ आप मुझे मिलने आएंगे ना। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो अपने पापा को इस तरह बोलते, फिर उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं अपनी बेटी से मिलने ज़रूर आऊँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है ओके पापा। फिर ऐसे ही वो राधिका और उसके पापा काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बातें करते रहती करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो राधिका बोलते हैं बेटा जाओ टाइम बहुत हो गया ना सोते हैं। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलते हैं नहीं पापा नहीं सोने मेरा मन नहीं कर रहा पापा प्लीज़ थोड़ी देर और बैठते हैं पापा प्लीज़। राधिका बोलते हैं बेटा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। राधिका बोलती पापा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं ओके बेटा सही है। फिर जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही अपने पापा के साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है। फिर ऐसे ही करते करते फिर उसके टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके पापा बोलते हैं चलो 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 टाइम बहुत हो गया ना अभी सोते हैं। फिर जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो राधिका को अपनी बेटी को रूम पर लेके जाते हैं। रूम पर जाके उनको उसको बोलते हैं चलो अब तुम सो जाओ मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है ओके पापा। फिर अपने पापा को हक कर लेती है। फिर उसके पापा भी उसको हक करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम पे। रूम पे जाके उनको फिर से वो बात याद आ जाती है अपनी दोस्त वाली, उनको फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर से वो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह टच करने की और उसको देखने की, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं। उसके बाद जो उनका फ्रेंड होता है तो बोलते हैं क्या क्या यार सॉरी ना हो गया ना बस चलता है क्या है। उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा बोलते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ऐसे ही। फिर जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कुल काट देते हैं। फिर ऐसे ही वो लेट जाते हैं और ऐसे ही वो सोचने लग जाते हैं कल तो मेरी बेटी जा रही है ना। फिर ऐसे ही उनको पूरी रात नींद नहीं आती, वो बिल्कुल भी नहीं सोते। फिर ऐसे ही अपने रूम पे टहलने लग जाते हैं, उनको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर ऐसे ही वो राधिका के रूम के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही अपनी बेटी को देखने लग जाते हैं कि वो कितना मासूम होकर सो रही है। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं वो अपनी बेटी के रूम पे चले जाते हैं। रूम पे जाके उसके वहाँ पे बैठ जाते हैं और अपनी बेटी को देखने लग जाते हैं, और देखते देखते उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वो बोलते हैं पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, अभी मेरी बेटी जा रही है, अकेले हो जाऊँगा मैं। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं उनकी आंखों में से आंसू लगने लग जाते हैं। वो फिर ऐसे ही अपनी बेटी को देखते देखते फिर वहाँ से वहाँ पे ही उनकी आंख लग जाती है, वो वहाँ पे ही सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलते हैं। फिर जो हमारी राधिका है वो जैसे ही मॉर्निंग में उठती है देखती है कि उसके पापा वहाँ पे कुर्सी पे सो रहे हैं, तो वो बोलती है एकदम से अपने पापा को उठाती बोलती है पापा पापा आप यहाँ पे सो रहे हो क्या, आप यहाँ पे क्यों सो रहे हो। उसके पापा बोलते हैं बस बेटा आप रात को सो रहे थे ना इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से आपके रूम पे आया था आपको देखने के लिए, पता ही नहीं चला आपको देखते देखते आँख लग गई इस वजह से यहाँ पे सो गया। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती क्या पापा अभी चलिए उठे उठे फ्रेश अप हो के आए मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ आप भी फ्रेश अप हो जाओ। फिर जो हमारी राधिका है वो ऐसे उठ के फ्रेश अप हो के किचन में चली जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट बनाती है बना के फिर उसके पापा भी आ जाते हैं और दोनों ऐसे ही ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका और राधिका के पापा है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद राधिका के पापा बोलते हैं बेटा शाम की आपकी फ़्लाइट है और आपको जाना है ना शाम को। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और ऐसे ही उसकी आंखों में से बहुत आंसू आने लग जाते हैं। फिर आंखें नीचे करके वो बोलती छी पापा। फिर ऐसे ही वो एकदम से किचन में चली जाती है, किचन में जाके बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे राधिका के जो पापा हैं वो भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। फिर जो हमारी राधिका है वो थोड़ी देर के बाद फिर आती है, देखते हैं उसके पापा वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर राधिका के पापा जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं वो भी अपनी आंखों में से आंसू पूछ लेते हैं कि राधिका को पता ना चले। ऐसे ही दोनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और एक दूसरे से एक दूसरे के आंसू छुपा रहे होते हैं। तो राधिका भी समझ रही होती है उसके पापा रो रहे थे, उसके पापा भी समझ रहे होते कि मेरी बेटी भी कितना रो रही है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो और उसके पापा बातें करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो रूम पे चले जाते हैं। रूम पे जाके फिर जो हमारी राधिका है वो काम करने लग जाती है। राधिका के पापा रूम में जाते हैं, जाके ऐसे ही बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं
ऐसे ही सोचते सोचते जो हमारी दादी का है वो अपने पापा के रूम में आ जाती है। देखते हैं कि उसके पापा ने आंखें बंद करते और कुछ सोच रहे होते हैं। जो हमारी दादी का है वो आके अपने पापा के पास बैठ जाती है। वो अपने पापा को बोलते हैं, क्या हो गया पापा, क्या सोच रहे हैं आप? उसके पापा बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। उसके बाद जो हमारी दादी का है वो अपने पापा से बोलते, पता है पापा, जब मैं छोटी थी तो आप बचपन में ऐसे ही आके यहाँ पे बैठ जाते थे और मैं ऐसे ही आपके पास आके बैठ जाती थी। उसके पापा जो है वो बोलते हैं हाँ बेटा। फिर ऐसे ही उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। हमारी राधिका भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो अपने पापा को हक कर लेती है, बोलते हैं, पापा प्लीज़ आप ऐसा करेंगे तो मैं नहीं जा पाऊँगी ना पापा, प्लीज़। उसके पापा बोलते, बेटा क्या करूँ मैं। फिर जो हमारी राधिका है वो और उसके पापा दोनों रोने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही उसके पापा बोलते हैं, चलो भाई चलो चलो चलो, अभी कोई नहीं रोएगा। राधिका बोलती है, पापा आप ही रो रहे हो ना। फिर हमारे जो राधिका के पापा बोलते हैं वो ऐसे ही स्माइल करने लग जाते हैं और राधिका भी स्माइल करने लग जाती है। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है सो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं कि प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।